Sangeetakaranam Samanya Vinayakaro Garvamurtim Shivam Stumaha. Friends, before I speak, I have to clarify 2 points. I have to speak on Samanya Abhinaya and Chitra Abhinaya as discussed in Bharata's Natya Shastra as well as in Abhinava Bharati, the commentary thereon. The subject is vast. I have already written in an elaborate manner in the introduction of Vyangya Vyakhya, the invaluable work of possibly 11th century or 10th century, edited by Professor Paulus. Yet, I opted this subject to discuss here this evening. The reason is that I consider the concept of Samanya Abhinaya and the Chitra Abhinaya as the most valuable similar concepts occurring in Kudiyattam as well as available in Natya Shastra tradition. But the difficulty is that this memorial lecture has been placed at the end and we are awaiting for a performance. Hence, the constraints are there. The time is limited and the subject is vast. And the second point is that in the preceding valedictory function, the problem has been solved. Most of the speakers, rather all of the speakers, spoke in Hindi. The people from this land of God opted for Hindi. And I, coming from the city of light, the city of Varanasi, speak in English. This sounds a little awkward. And I, therefore, would like to switch over to Hindi. And I would like to be as brief as I can. Paramadharani Radha Krishnanji, Professor K.G. Paulus, Dr. Sudha Gopal Krishnanji, Director Dr. Kannan, हमारे पुराने मित्र जी वेणु जी और नंबियार जी और सारे मित्रों, मैं बहुत संक्षेप में बात को कहना चाहूं तो मेरा पहला साक्षात्कार स्वर्गीय पद्मश्री माणिमाधव चाक्यार जी से 1980 में हुआ, जब वो काशी में इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस के अवसर पर कुडियाट्टम देने के लिए पहली बार काशी आए। मेरा
दूसरा साक्षात्कार स्वर्गीय पद्मश्री अम्मानूर माधव चाक्यार जी से उज्जैन में हुआ। वहां पर भी माणमाधव चाक्यार जी आए थे और सारे देश में संस्कृत पारंपरिक नाट्य के साथ उत्तर भारत में कम से कम काशी के द्वारा और उज्जैन के द्वारा ठीक ठीक परिचय मिला। और तब से न केवल मैंने इन दोनों आचार्यों के दर्शन किए उनके आवास पर जाकर उनसे बातें की और उनसे कुडियाट्टम के बारे में तो समझा ही, नाट्यशास्त्र के बारे में समझा। मुझे नाट्यशास्त्र समझ में नहीं आता था, मैं नाट्यशास्त्र पढ़ता था लेकिन नाट्य के परिभाषा को ही मैं नहीं समझ पाता था कि आखिर भरत कहना क्या चाहते हैं। किसी भी परिभाष्य की एक परिभाषा होती है, एक लक्षण होता है, लेकिन भरत नाट्यशास्त्र को लिखने पहले के पहले नाट्य की परिभाषा देते हैं और तीन परिभाषाएं देते हैं। तदंते नुकृतिर बद्धा, नाट्य अनुकृति है। दूसरा है त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, और तीसरा है जो अब परोक्ष रूप से है नाट्यम रस, जिसे अभिनव गुप्त पाद अभिनव भारती भी कहते हैं। ये तीन लक्षण देने की आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि नाट्य को या थिएटर को वे बहुत स्पष्ट रूप से माइमेसिस से अलग परिभाषित करते हैं। वह अनुकृति नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होने पर जो चीज सामने आती है वो ग्रीक थिएटर से आरंभ होती है और वो सबसे ज्यादा रेनासा में आकर के यूरोप में अनुकृति का रूप सामने आता है और तब यूरोप में अनुकृति के विरुद्ध एक आंदोलन होता है और तब फ्रांसीसी कविता में जो मूवमेंट ऑफ सिंबोलिज्म शुरू होता है और इसके बाद लगातार इस माइमेसिस के या रिप्रोडक्शनल आर्ट फॉर्म के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा होता है और तब पिकासो और उसके बाद भी पोस्ट मॉडर्न परंपरा में उछला जा रहा है। मैं हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर भी अनुकृति को तो कहा है पर अनुकृति को ऐसा परिभाषित किया जो रिप्रोडक्शन नहीं है, जो माइमेसिस नहीं है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए जब दैत्य लोग ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा कि वो गलती तुमसे हुई है, तुमने अनुकृति को लिटरल समझ लिया, वो ऐसी अनुकृति नहीं है, वो भाव का अनुकीर्तन है। अब ये भाव का अनुकीर्तन क्या है ये मेरी समझ के में नहीं आ रहा था। मैंने इस प्रश्न को यहीं आकर केरल में पंडित पिशारटी जी से पूछा, जो नाट्यशास्त्र के अप्रतिम विद्वान थे, और उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दे दिया। मैंने कहा पंडित जी, संस्कृत में ही बात होती थी उनसे, मैंने उनसे पूछा कि अनुकृति और भावानुकीर्तन में क्या अंतर है। उन्होंने कहा बस वही जो अभिधा और व्यंजना में है। ये उत्तर तो कोई परंपरा में रचा बसा ही विद्वान कह सकता था, मेरी समझ में आ गया। और यह बात सिद्ध तब हुई
जब मैंने कुडियाट्टम को देखा, कुडियाट्टम ने वो कभी भी कहीं से भी वो रिप्रोडक्शन नहीं, पूरा का पूरा ये 5 दिन का जो महोत्सव हुआ है इसकी थीम नाट्यधर्मी है, और नाट्यधर्मी का अर्थ ही है कि जो बिल्कुल अनुकृति नहीं है, इमिटेशन नहीं है, इट कैन नॉट बी टर्न एज द इमिटेशन ऑफ द लाइफ और इमिटेशन ऑफ द रियलिटी, एट द बेस्ट इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नरेटिंग द रियलिटी, रिटेलिंग द रियलिटी फॉर द वर्ड कीर्तन इज डिराइव फ्रॉम द रूट कीर्त टू नरेट, टू ग्लोरिफाई, टू पुट इट, टू प्रेजेंट इट इन ए लार्जर देन लाइफ फॉर्म। आप देखें समस्त भारतीय रंग परंपरा पारंपरिक, चाहे वो यक्षगान हो, चाहे वो कुडियाट्टम हो, चाहे वो भावना हो, चाहे वो यक्षगान हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, कुछ भी हो, सब में जो प्रेजेंटेशन है वो लार्जर देन लाइफ है, जैसी लाइफ है वैसा नहीं है। इसलिए यह नाट्य अभिधा मात्र नहीं है, अभिधा तो ठीक है, वाच्य से तो बातें शुरू होती हैं, वाचक से बातें शुरू होती हैं, लेकिन वाच्य और वाचक मात्र में वो डिनोटेशन नहीं है, वो उसे आगे बढ़ता है, वो कोनोटेशन भी नहीं है, लक्षणा भी नहीं है, वो उससे भी आगे बढ़ता है, वो ध्वनि है, वो व्यंजना है। और ये बात पुष्ट हो गई जब प्रोफेसर पॉलुस ने व्यंग्य व्याख्या को प्रकाशित कर दिया। व्यंग्य व्याख्या है, वो तो व्याख्या ही है, उनका नाम ही कह रहा है कि वो ध्वनि है। इसलिए पहली बात कि यदि मैंने कुडियाट्टम न देखा होता, यदि मैं केरल आ रहा हूं, बहुत दिन से आ रहा हूं, 1980 से आ रहा हूं, यदि मैंने कुडियाट्टम नहीं देखा होता तो मैं नाट्य शास्त्र को नहीं समझ सकता था, भावान कीर्तन तो कोई समझ ही नहीं सकता। यदि कुडियाट्टम को समझना है तो ध्वनि को समझना पड़ेगा, व्यंग्य व्यंजना को समझना पड़ेगा और यह कीर्तन को समझना पड़ेगा। कीर्तयति कीर्तनानि चकार, बाणभट्ट ने कीर्तन शब्द का प्रयोग किया है, और कीर्तन का अर्थ होता है किसी चीज को कहना, करना नहीं। आर्ट का मतलब होता है टू डू, पर कीर्त का मतलब होता है कहना। हम वस्तु को कर करके सकते हैं, जो करते हैं वो अनुकरण है, ये जिसे नया होगा नहीं, नया नहीं होगा तो कला नहीं हो सकती, फिर वो कला का रूप नहीं बन सकता। लेकिन यदि हम उसको कह सकते हैं, फिर से कह सकते हैं, इसलिए भारतीय कलाएं कहना है, करना नहीं, हम उसको कहते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, हम अलग अलग माध्यमों से उसको कहते हैं। इट इज ए रिनेशनल नैरेटिव, इट इज नैरेटिव, लेकिन नैरेटिव व्यक्ति का नहीं है, वस्तु का भी नहीं है, यह व्यक्ति का और व्यक्ति वस्तु का नैरेटिव नहीं है, यह भाव का है। क्योंकि व्यक्ति से हमसे क्या मतलब क्या है, वस्तु से हमसे मतलब क्या है, जब तक कि वो हमसे जुड़े नहीं, और जुड़ता है वो भाव है। इसलिए नाट्यशास्त्र भाव को परिभाषित करता है आपके चित्राभिनय के प्रकरण में, और कहता है भाव है स्व का अनुभव, स्व का अनुभव है भाव, भाव अनुभव मात्र नहीं है, भाव सत्ता मात्र नहीं है, भाव
बीइंग है और बीइंग के साथ साथ बिकमिंग है, हम एक साथ हैं और हो रहे हैं। मैं हूँ।